सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। कोरोना जैसी महामारी में एकजुटता का संदेश देने के लिए पीएम ने आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट बंद करने का आह्वान किया और दीये मोमबत्ती या टॉर्च जलाने की बात कही। ऐसे में दुकानें और बाजार बंद होने से मोमबत्ती मिल पाना मुश्किल है, जिससे लोग अब मिट्टी के दीयों पर आश्रित हैं। इन मिट्टी के दीयों की डिमांड वैसे तो दीपावली में होती है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिए के आह्वान के कारण दिए बनाने वाले कुम्हारों में फिर सुर्खियां आ गईं। जालौन में दिए लेने के लिए कुम्हारों के यहां लोगों की सुबह से ही लाइन लग गई। लॉकडाउन की वजह से बाजार में सब लोग दिए लेने नहीं जा सके, इसलिए कुम्हारों के घर पर पहुंच गए। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। लोगों ने लाइन लगाकर कुम्हारों के घरों से दिए खरीदे। पीएम के दिए जलाने के आह्वान के बाद कुम्हारों ने भी तेजी के साथ दिए बनाने शुरू कर दिए। अब इनके पास पर्याप्त मात्रा में दिए उपलब्ध हैं, जिससे कि लोग आसानी से दिए खरीद रहे हैं। जी, आज आप दिया क्यों लेने आए? आज माननीय नरेंद्र सिंह मोदी ने दिए जलाने का जो ऐलान किया था 5 तारीख को, इसीलिए घर से दिए लेने आए हैं। बाजार नहीं गए थे? बाजार लॉकडाउन है। काहे के लिए आए थे? दिया खरीदने के लिए। बाजार में लॉकडाउन के कारण इसलिए घर से लेने आए। क्यों लेने आए थे? आज हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 5 अप्रैल को दिन रविवार को दिए का जलाने के लिए, तो उसके लिए आते हैं। तो बाजार नहीं गया? बाजार में तो बाजार में लॉकडाउन के कारण नहीं है। क्या काम करते हैं? हम यही बर्तन बनाते हैं। अच्छा, दिए बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? हाँ जी, प्रधानमंत्री से, जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिए के लिए, जब से मैं दिए बनाने लगा हूँ और इतनी डिमांड बढ़ चुकी है इसकी कि मैं दे नहीं पा रहे हैं, इतनी उसकी मांग आ गई है बाजारों में दिए की। दिवाली से भी, दिवाली में जो बिकते थे उससे कोई फर्क पड़ा? हाँ, उससे ज्यादा ही है। दीपावली के लिए हमें लोगों को टाइम मिलता था, लेकिन इसमें टाइम ही नहीं मिला है। दीपावली के दिए में जो हम लोगों को टाइम मिलता है, मोदी जी ने तो ही 2-4 दिन पहले ही कहा है दिए के लिए, लेकिन उतना बन नहीं पा रहा है और इसकी मांग ज्यादा है। आज तो दिए जल रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।